दोस्तों आज 64वां दिन है और ये है पंजेरा और यहाँ पे एक मोइन मुश्ताक साहब हैं बड़े हमारे सिर्फ काबिल इज्जत नहीं काबिल एहतराम और हमें इन पर तवक्को भी है। ये बेशक पीटीआई के साथ मुंसलिक हैं, ज़ाहिर यहाँ पे दिगर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीएमएलएन है, यहाँ पे पीपल्स पार्टी भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं मेज़बानी के फ़राइज़ जो है किसी जगह पर पीपल्स पार्टी वाले भी कहीं करेंगे और नून लीग वाले भी करेंगे, और अगर और कोई दीगर कोई ऐसी जमात है पाकिस्तान की इवन जमाती इस्लामी वाली भी अगर कहीं पे वो भी ये फ़राइज़ करें तो मैं, क्योंकि मेरे लिए रियासत के हर फर्द हर शहरी हर बाशिंदा वो अज़ीज़ है और उनके साथ वक्त गुजारना उनके साथ अपने ख्यालात का तबादला करना ये होगा तो हमने इकट्ठे किसी एक जगह पर पहुंचना है, किसी को हमने पीछे नहीं छोड़ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोइन साहब आपकी मेज़बानी का और बाकी दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ भी दीगर दोस्त भी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आने वाले मैं अभी टालियां की तरफ जा रहा हूँ और रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पर मैं आपको कुछ ना कुछ झलकियाँ इलाके की दिखाऊँगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो बाज़ औक़ात कई मरतबा ऐसा हुआ कि किसी जगह से निकलते निकलते लोग रोक देते हैं, बाज़ औक़ात आते हुए इतने लोग नहीं रोकते जितना जाते हुए रोकते हैं, तो कोई बात नहीं। और इसी वजह से कई जगहों पर मैं लेट अंधेरे में पहुंचा हूं, उसमें कुछ मेरी गलती भी है शायद, सुबह मुझे वर्किंग ज़्यादा जल्दी शुरू करनी चाहिए और हर जगह से थोड़ा सा जल्दी निकलना चाहिए। बहरहाल लेट्स कंटिन्यू, जारी रहना चाहिए काम जी दोस्तों। तो सफ़र जारी है 64वें दिन और जैसे कि शायद पिछले क्लिप में बताया था कि जिस टाइम निकला हूँ पंजेरा से निकल कर भी एक दो जगहों पर रुका हूँ, क्योंकि आवाम ने रोका है और ज़ाहिर है उनका हक है बल्कि उनका फ़र्ज़ भी है मुझे रोकना और खैरियत दरियाफ़त करना और मकसद दरियाफ़त करना ताकि घर घर में ये पैगाम और ये हिकमत अमली स्ट्रैटेजी यहाँ पे हज़ारों साल अमन और इलम आलमी मियार का इलम यहाँ पे कायम करने के लिए। तो ज़ाहिर है ये भी किसी पिछले दिनों के क्लिप में कहा था कि पिछले महीने तकरीबन 7:30 बजे तक रोशनी होती थी तकरीबन, तो अब मुश्किल 6 बजे 6:15 बजे तक रोशनी कायम रहेगी। इसका टालियां का फासला भी पंजेरा से इतना ज़्यादा नहीं है, जो सरसावा से पंजेरा का सफ़र था वो तो कम था, तकरीबन 2 किलोमीटर, और ये शायद 5-6 किलोमीटर का सफ़र है जो यकीनन आधे से ज़्यादा हो गया है। अभी भी चांस है कि हम रोशनी में हल्की सी रोशनी में भी सही हम पहुँचे। जो ये गाजर बूटी पीछे नज़र आई थी फ़िलहाल थोड़े से वक्फे से ये पार मौजूद है, थोड़ी है यहाँ पे लेकिन है सही है, और वो दूसरी फुल बूटी और उसके इधर ऊपर से बेरीज भी पॉइजनस बेरीज जहरीले खुराक जो है वो उस पर पैदा हो रही है, जानवर तो दूर से समझ जाते हैं ये शायद वो गाजर बूटी नहीं बल्कि ये और कुछ है, शायद वही है, नहीं ये वही है, ये वही जहरीली मखलूक है। ये देखिए वो फुल बूटी आपको वहाँ पर नज़र आ रही है, कम मकदार में है लेकिन है सही है, और अगर तवज्जो नहीं दी गई जैसे कि बाकी इलाकों में फैल गई है ऑलमोस्ट आग की तरह, शायद ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी ये अलमिया हमें देखना पड़े। जी दोस्तों बहुत तेज़ी से रोशनी डल रही है
और अंधेरा छा रहा है, कुछ लाइटें आपको सामने नज़र आती हैं, लेकिन ये सही अंदाज़ा नहीं है कि कितना एक फासला रहता है। इतने दूर नहीं है, लेकिन यह ज़रूर पता है कि हमने पहुंचना है वहाँ पे अंधेरे में, और मैं इंशाल्लाह उससे कबल या टालियाँ पहुँच कर आपसे फिर रजू करूँगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। शायद दोस्तों तो है तो शाम एक लिहाज से, लेकिन शायद टालियाँ का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक कड़ा बाज़ार है जी, पुला तो टालियान कितने दूर आ गया? दो त्रै किलोमीटर है जी। सही गल है, मैं तो दस गया कि पिछे जा के अद्धे घंटे तक बंदा पहुंच जा सी। इस कह कहना इस जगह ना कुल्ला कुल्ला